इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी की लहसुन मंडी में मौजूद हैं और लहसुन की बात करें तो आज लहसुन की जो दो तीन दिन पहले आवक कम हो गई थी वो आज बम्पर दिखी गई है। अभी की कंडीशन में नीमच जो कृषि मंडी का जो एरिया है लहसुन मंडी का वो पूरे तरह से भरा हुआ है, वहीं बाहर भी वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ऐसे में जो इसकी मुख्य वजह जो बताई जा रही है वो यह है कि आगामी जो तीन दिन है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन तीनों दिन अवकाश है। कल शिवरात्रि के चलते अवकाश है, फिर बैंक हॉलीडे है और उसके बाद संडे अवकाश है। इसके चलते जो किसान है वो अपनी फसल को रोक नहीं पा रहा था और उसको बेचने आना, क्योंकि तीन दिन तक पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से लाएगा। ऐसे में यहाँ जो धार या राजस्थान के बेगू की तरफ से भी कुछ किसान आए हैं, उन किसानों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आज लहसुन का क्या भाव रहा है, क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा है। मेरे साथ कुछ किसान है भैया, कहाँ से आप बताओ? आपको बेगू से क्या लेके आए? सर लहसुन लाए। कितनी लहसुन है, कितने बोरी लाए? ये होगी लगभग 20 बोरी। 20 बोरी कौन सी है? ये जेटू लहसुन है। जेटू है तो बेगू से यहाँ आए, बीच में चित्तौड़गढ़ या पास में कोटा भी है तो आप यहाँ पुरखरा है? हाँ, ये थोड़ा ज्यादा दूर तो लग रहा है लेकिन पास में कोई अच्छी मंडी, बड़ी मंडी नहीं है तो नीमच ही बड़ी मंडी लगती है, तो यही लेके आए। नीमच मंडी में दाम अच्छे मिलते हैं? हाँ, दूसरी मंडी की अपेक्षा। हाँ, यहाँ तो दाम तेरे अच्छे रहते हैं इसलिए। अच्छा ये बताइए कि आपके साथ और भी किसान लाए तो वो कितनी उपज लेके आए? वो भी जितने उनके हुई उतने लेके आए। एक समय था जब 20, एक महीने पहले की बात कर ले तो एक महीने पहले जो दाम थे 30 तक जा रहे थे, 32 तक जा रहे थे लहसुन के, आज आधे भी नहीं है, तो आपको लग रहा था कि रोके? वो तो जैसे कि आवक ज्यादा आने से लगता है ये कम हुए दाम, बाकी जो शुरू में जो ऊटी लहसुन आ रहा था उसके अच्छे भाव थे। ऊटी का भी स्टॉक हो गया है, ऊटी अब रुक नहीं सकती है ना? देसी जो है रोक सकता आदमी। अभी आपकी कितनी लहसुन और घर पे पड़ी है? लगभग अभी तो किसानों के पास आधी लहसुन होगी, आधा माल लाना अभी बाकी है। जैसे आप ही के पास है तो आपने रोक रखी है क्या? हाँ, मेरे भी अभी रोकोगे कि निकाल दोगे? नहीं, जैसे भाव अच्छे मिलेंगे तब निकाल देंगे उनको। तो अभी जो लाए हैं आप मीडियम साइज की है कि बड़ा गोला है, क्या है? नहीं, दोनों ही है। मिक्स है? हाँ, मिक्स है। मिक्स है कि अलग अलग वैरायटी लेके आए? बड़े भी लाए, छोटे भी लाए, दोनों है कि दोनों मिक्स है? बड़े छोटे दोनों मिक्स है जैसे। तो क्या उम्मीद लग रही, क्या भाव मिल जाएगा देखते हैं? वो तो एक उम्मीद तो होगी ना कि यार अपने इतना मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, लगभग 10-12-13 के बीच में। 10 बिक जाए तो अच्छा है। 10 बिक जाए तो बढ़िया है। कहाँ से आप? भगवानपुरा से। भगवानपुरा राजस्थान निम्बाड़ा के पास। अच्छा, राजस्थान में। कितनी लहसुन लेके आए? हम तो अभी 5 बोरी लेके आए। कौन सी लहसुन? ऊटी। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो लहसुन बोई तो कितने बीघे पे बोई आपने? हमें तो 1 बीघे बोई। 1 बीघे में कितना खर्चा आया? 1 बीघे में लमसम 2 क्विंटल तो 50,000 रुपये के तो बीज वाला लग गया। हाँ। और 5,000 रुपये उसकी बुआई के मजदूर लग जाते हैं। और 10-15,000 रुपये और खर्चा खाद बीज और उसमें टोटल एक अंदाज से 75,000 का खर्चा आ जाता है। 75-80 का समथिंग खर्चा आ जाता है बीघे का। अच्छा तो अभी कितनी लहसुन हुई वहाँ? वो तो सर अभी तो फर्स्ट लाए हैं। जब अंदाज तो का सब निकाल ली की लगी हुई है? अंदाज किलो का हिसाब निकाल ली पर कार्टन भी वो काटी नहीं है। आज कितनी बोरी लाए? आज 5 बोरी लाए। 5 बोरी लाए। कौन सी वैरायटी बताई थी आपने? ऊटी की है। ऊटी काका आ गया हो? कहाँ से आए? आटा सरोदा। क्या लेके आये? लहसुन ले जाए। कितनी लाए? 5-7 बोरी। 5-7 बोरी। हाँ तो अभी तो भाव डाउन है ना, बीच में वो जावद भी पड़ता है, जावद नहीं रुके? जावद क्या, थोड़ा कभी जावद डाउन हो जाते बिल्कुल ना एकदम, और कभी एक आधा एक दिन ले नहीं देते, बोले पैसे दो आप। कभी गेट लगाना पड़ता है व्यापारी के लिए, यार पैसे नहीं है इस हिसाब से नीमच आता है। वो छोटी मंडी है? हाँ छोटी है। यहाँ दाम अच्छा मिलता है नीमच में? दाम तो क्या इधर भी ऐसे ही होता है, कभी तो अच्छे मिलते हैं, कभी डाउन, कभी इंटरवल बाद कभी तो बिल्कुल डाउन कर देते हैं, कभी फर्स्ट में अच्छा भी मिलता है। पैसे के लिए मना? हाँ, पैसे के लिए मना नहीं होता है। कुल मिला के आपका जो माल लाया उसको खरीदने के लिए यहाँ आदमी मतलब व्यापारी कभी भी अवेलेबल? हाँ। अच्छा एक चीज बताओ कि आपने कितनी लहसुन बोई खेत में? 1 बीघा। कितनी? 1 बीघे में बोई? हाँ। कितनी हुई है अभी तो? 15 क्विंटल निकली। 15 क्विंटल खर्चा कितना बैठा? खर्चा तो कम से कम 80-85 हज़ार का समथिंग
80,000 से ऊपर ही है उसको। ये भाव कितना चाहिए आपको, कम से कम इतना तो पैसा चाहिए जब पूरा खा जाएगा? कम से कम 20 तो मिलना चाहिए। 20 मिलना चाहिए, 20 मिल जाएगा आज? 20 तो कहाँ मिल रहा है, फिर आप बोल रहे 20 10 के समथिंग जा रहा था, अभी क्या वो भी है। अच्छा इसमें थोड़ा बेनिफिट मिलता है, जो दो फसल पहले निकाली गई लहसुन, पहले निकाली थोड़ी बहुत, कितनी निकाली? अरे वो तो इसमें गई 12-13 में, वो 12-13 गई। हाँ फिर मतलब ये तो 10 में भी ठीक रहेगी। अरे भैया 13 में कब बेची थी आपने? 13 में 2-4-5 रोज पहले बेची, 4-5 रोज। अभी तो ठीक है, आज का भाव एक जो बढ़िया वाला गया है वो 16 रुपए तक गया है, तो बहुत बेस्ट है। तो माल होगा ऐसा हाँ, हाँ, वो हिसाब से। बाकी वो जो नीचे ऊटी की बात करें, ऊटी की कह रहा हूँ मैं, वो 5-6 तक है, 6 तक। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे कि आप जो यहाँ आए इतना सब करा, तो इसमें कितना किराया लग गया? किराया तो लगता है अपने यहाँ से तो 1500 रुपए समथिंग, उसमें 15-17 क्विंटल आता है माल, और अब इधर भी 100 रुपया खर्चा मंडी में आ जाता है क्विंटल पे। आया था, आए कब थे? शाम को आए, शाम को मतलब रात भर तो रहना ही पड़ा। रात भर तो रहना ही उसमें तो। हाँ दादा, अरे बॉडी उज्जैन से, बॉडी बिल्डर लग रहा है एकदम। उज्जैन से तो देखो मंदसौर पड़ा, पिपला मंडी पड़ा, मंदसौर है, मंदसौर भीड़ पड़ रही है, भीड़ पड़ रही है, मंडी फुल है, गेट के बाहर भी 2-2 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है, ट्रैक्टर टेम्पो वगैरह सबकी। कल मंडी बंद, रविवार भी आ रहा, 3 दिन तक तो किसान परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान होंगे। तो फिर नहीं, आपने रोक लेनी थी ना, रोक क्या रहे, अब भाव दिन दिन गिर रहा है क्या? कहाँ 60,000 थे, कहाँ 10,000 हो गया, 10,000 आए दिन कुछ कह रहे थे, खर्चे पानी के लिए अभी फसल सब